Hello, good morning students. Today we'll discuss exercise 1.3, question number 6. This is exercise 1.3 and question number 6. The question number 6 is, look at several examples of rational numbers in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q are integers, both are integers and denominator is not equal to 0, with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion, can you guess what property of q must satisfy? अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपके पास कोई भी एक रैशनल नंबर है जो p by q की फॉर्म में है और q जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से आपको ये पता लग जाए कि वो जो हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो हमारे पास क्या है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। रिकॉल कर रहे थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होती है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है, और हमारे पास जब हम उसको डेसिमल की फॉर्म में लिखते थे तो हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में हमारे पास पॉइंट के बाद वाली जो टर्म थी वो फिक्स होती थी, वो क्या थी, पॉइंट के बाद वाली टर्म जो थी वो फिक्स थी। और दूसरी चीज, अगर हम क्या करें नीचे डिनोमिनेटर के, अगर हम क्या करें प्राइम फैक्टराइजेशन ले, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 5 आर बोथ 5, यानी कि जब कभी हम डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन लें, यानी कि हमारे पास मैं लिखता हूँ 5/20, और अगर मैं 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन ले रहा हूँ तो वो 2 × 2 × 5 आएगी, यानी कि बोथ जो हमारे पास डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, प्राइम नंबर होंगे, वो या तो खाली 2 होगा, 2^1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, या 5 हो, या दोनों नंबर जो है वो इसी में होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन जो डिनोमिनेटर की, हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ, ये था इसमें। यानी कि हमारे पास कौन से ऐसे नंबर है वो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं जब हम डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन लें, वो पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 5 या बोथ होने चाहिए। अब आप देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। आपको कोई भी तीन नंबर ऐसे लिखने हैं जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। तो नॉन रीअकरिंग मतलब पॉइंट के बाद वो टर्म जो है वो हमारे पास जो है वो कंटिन्यू फॉर्म में होनी चाहिए और रिपीटिंग में नहीं होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल द नॉन थ्री नॉन टर्मिनेटिंग हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग आर, कोई भी आप लिख लो 0.10100, 1000 आप लगा लो, 14 times 0 लगा लो, अप टू सो ऑन, यानी कि 1 0 आ रहा, 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, रिपीट कुछ नहीं हो रहा। अब आगे आप लिख लो 0.210, 2100 लिख लो, 21000 लिख लो, अप टू सो ऑन, और एक खुद एक एग्जांपल आप बना सकते हो 0.30 300 3000 3000 अप टू सो ऑन। तो ये था कि आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग कुछ भी आप नंबर जो है वो इसमें बना सकते हो। तो इस तरह से हमने कोई भी तीन नंबर लिखने थे जो हमने शो कर दिए कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के ये कुछ एग्जांपल्स थी। थैंक यू।